अमेरिकी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और दावे के मुताबिक रूस ने चुपके से अमेरिका की सीक्रेट तकनीक की सप्लाई रूस को कर दी है, जिससे रूस को हथियार बनाने में मदद मिली और उसे यूक्रेन में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मतलब रूस के हथियार में अमेरिका की चिप काम कर रही है। ऐसे ही कई अमेरिकी कंपनियां हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि इन कंपनियों से युद्ध शुरू होने के बाद भी रूस तक सेमीकंडक्टर पहुंचते रहे और रूस के हथियार में इस्तेमाल होते रहे। पूर्वी यूरोप में एक जंग छिड़ी और इस जंग ने रूस और अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। जंग से पहले पुतिन और बाइडेन जिनेवा में मिले थे। बर्फीले स्विट्जरलैंड की हवा में लगा कि थोड़ी गर्मी आई, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के बीच जमी बर्फ उसके बाद कभी नहीं पिघली। अब नौबत ये आ गई है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां एक दूसरे से टकराने के हालात तक पहुंच चुकी हैं और काला सागर में ड्रोन हादसे ने वो चिंगारी भी भड़का दी जिससे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस बीच में एक और खबर ने सनसनी फैला दी है। खबर ये है कि रूस के हथियार में अमेरिका का चिप लगा है, रूस की किंजल में अमेरिकी चिप। मॉस्को के टैंक में यूएस का सेमीकंडक्टर, पुतिन की सैटेलाइट में बाइडेन की तकनीक, क्रेमलिन का फाइटर, व्हाइट हाउस का कार्ड। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस में अवैध तरीके से अमेरिकी चिप पहुंचाए गए। पिछले साल इटली में अर्चेवुस नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। अर्चेवुस इटालियन होटल से जुड़ा रूसी व्यापारी है। रूस में अर्चेवुस को रियल एस्टेट का कारोबारी मानते हैं। अर्चेवुस अभी मिलान में नजरबंद है। अमेरिका अर्चेवुस का प्रत्यर्पण चाहता है। प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्चेवुस ने याचिका डाली है। अर्चेवुस पर अमेरिकी चिप रूस को देने का आरोप है। आरोप है कि सर्बिया के पूर्व गवर्नर के बेटे अर्चेवुस ने यूक्रेन युद्ध से पहले और यूक्रेन युद्ध के बाद सालों तक अमेरिकी कंपनियों की आंखों में धूल झोंक कर प्रतिबंधित तकनीक को रूस ट्रांसफर कराता रहा, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिली। रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे को अमेरिका के सामने रखा था और कुछ कंपनियों ने रूस में ऐसे माइक्रोचिप की सप्लाई रोकने की गुहार लगाई थी, जिनसे रूस को अंतरिक्ष में अपने मिलिट्री विमानों, वाहनों और जंगी जहाजों को नेविगेशन में मदद मिलती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस को अभी अमेरिकी चिप की सप्लाई मिल रही है। रूस ने इसके लिए अलग नेटवर्क बनाया है, जबकि ब्रिटिश थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कुछ कंपनियों के नाम भी जाहिर किए हैं। एनालॉग डिवाइसेस इंक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इंक, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इंक। आरोप है कि ये वो कंपनियां हैं जिनके चिप दुनिया में दूसरे देशों के जरिए रूस तक पहुंच रहे हैं और वही चिप रूस के हथियारों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनसे रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका अपनी ही कंपनियों को रूस में अपनी ही टॉप सीक्रेट तकनीक से बने चिप की सप्लाई रोक नहीं पा रहा है। अभी तक अमेरिका उस आरोप को हासिल नहीं कर सका है जो नेटो देश इटली के कब्जे में है और जिस पर आरोप है कि उसने सालों तक रूस को अमेरिकी चिप सप्लाई की, जिससे मॉस्को ने कीव पर हमले के लिए हथियार तैयार किए। कहने का मतलब, अगर ये रिपोर्ट सही है और आरोप सही है, तो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की ओर से अमेरिकी हथियार तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, रूस की ओर से भी इस्तेमाल होने वाले हथियारों में भी अमेरिकी तकनीक है। यानी महायुद्ध अमेरिका ही अमेरिका से लड़ रहा है, वो भी रूस से एक जंग हार कर। पिछले साल
साल मई महीने में यूक्रेनी फौज ने रूसी हथियारों का मलबा बरामद किया था और उसके बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि रूस के हथियारों में अमेरिकी चिप लगे हुए हैं। जैसे रूस के बरगुटी एयर डिफेंस कमांड की अगर बात करें तो उसके रडार में 8 माइक्रोचिप मिले थे। ऐसे ही बाथसेल एयर डिफेंस सिस्टम में भी आज भी युद्ध में यूक्रेन के ड्रोन को अपना शिकार बना रहा है, उसमें 5 अमेरिकी माइक्रोचिप मिले। इसके साथ ही रूस के सबसे घातक हेलीकॉप्टर और महायुद्ध के सबसे बड़ा शिकारी KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर में अमेरिका के 22 माइक्रोचिप मिले। वहीं जिस KH-101 क्रूज मिसाइल से रूस ने यूक्रेन में शोले बरसाए उसमें 35 अमेरिकी माइक्रोचिप मिले हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये सारे हथियार युद्ध काफी पहले ही बन चुके थे शुरू होने के और ये चिप वैध रूप से रूस में पहुंचाए गए हैं।